Hello everyone, welcome to my channel VS Education Sharma. Today I am here to discuss English vocabulary from the Hindu editorials, Indian Express, both newspapers. First important articles we discuss करेंगे जो कि exam point of view बहुत important articles हैं and उसमें से जो general awareness के कुछ questions हैं वह भी अपन discussions करेंगे. Okay, vocabulary with sentence के साथ अपन discussions करेंगे जो जो articles में vocabulary हैं वो अपन discussions करेंगे इस वीडियो में. Okay, if you are preparing IBPSPO clerk, IBPSPO and SSCMTS किसी भी competitive exams की preparations कर रहे हैं उनके लिए most important English बहुत important part role करती है. तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होते हैं. अगर आप नहीं देखते रेगुलर तो प्लीज देख लीजिएगा, 100% आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी. ओके, सेशन स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर दैट, यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके माय फ्रेंड्स, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडे इज 8 अगस्त 2019. आप सभी का दिन मंगल में हो, इसी कामना के साथ देखिए मोटिवेशन कोट है, हियर इट इज. ओके, द पर्संस हु नेवर Make a mistakes, never try to do anything. It means जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की. It means जो गलती करेगा वही अच्छी चीजें सीख पाएगा, अच्छे से अच्छे कुछ ना कुछ अर्न कर पाएगा, कुछ ना कुछ लर्न कर पाएगा. तो याद रखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, चाहे गलती एक बार गलत तो देखिए हमसे भी गलती एक बार शुरू हो जाती है. चाहे इस वीडियो में कोई चीज गलत आंसर भी दिया जाता है तो प्लीज आप भी इसमें एक तरह से केयरफुली होके उसका आंसर क्लिक कमेंट बॉक्स में भी कमेंट भी कर दीजिए, ताकि और भी अदर स्टूडेंट्स भी अच्छे से देख पाए. अच्छे से उनका भी कोई हो सकता है कभी कभार गलती हो जाती है, तो आप भी ध्यान रखिए कभी कभार आपसे भी गलती हो उसे घबराना नहीं है. गलती करने से ही आदमी अच्छे से सीखता है और उसे डाउट भी एकदम से क्लियर हो पाते हैं. तो याद रखिएगा, हमेशा गलती से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा. स्टार्ट करते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल से बहुत ही डिस्कस एकदम डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से. देखिए, फर्स्ट आर्टिकल से आपके ब्लैकआउट ऑन कश्मीर स्लैकडाउन. ओके, ब्लैकआउट ये फर्स्ट आर्टिकल, दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल्स में रहेगा. एंड देन सेकंड आर्टिकल्स आपके आरबीआई जो रेट कट्स हुए हैं उनके रिलेटेड आर्टिकल्स है. ओके, फर्स्ट आर्टिकल जम्मू कश्मीर के बारे में है. अपन लास्ट 3 डेज से कुछ लास्ट के कुछ पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं. फ्री शाउंडी हो गया, उससे रिलेटेड कुछ कश्मीर में क्या क्या इश्यूज हैं, इंटरनेट सर्विसेज हैं, वहाँ की सोशल सर्विसेज हैं, तो वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं 144 धारा लागू है. तो उससे रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स में किया गया है. कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट है कि वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ, सोशल सर्विस इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद है. टेररिस्ट है तो टेररिस्ट में एक तरह से कैसे वापस इम्प्रूवमेंट कर सकता है, वापस इंक्रीज कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या फोर्सेज भी भेज सकते हैं, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से वोकल बनी थी, इसीलिए मैंने आर्टिकल्स आपको दिखाया कि वोकल बनी इसमें से अपन एक तरह से कह सकते हैं अपन देखेंगे लास्ट में. ठीक, तो प्लीज़ आप रीड आउट कर लीजिएगा आर्टिकल्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है. आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स प्लीज रीड आउट कीजिए इस आर्टिकल को. देखिए, सेकेंड आर्टिकल आपके एग्जाम्स में आरबीआई गोल्डी लॉक्स कट ऑन रेपो रेट कट्स. ओके, इट मीन्स आरबीआई ने जो कल थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी जो रिलीज की थी, जो थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी उसमें रिलीज की थी, तो उनने रेपो रेट कट्स की गई थी. रेपो रेट कट्स की गई थी तो उससे रिलेटेड इसमें आर्टिकल्स में किया गया है. देखिए, अपन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट सेकंड थ्री पॉइंट्स यहाँ पर है, हियर इट इज. यहाँ पर थ्री पॉइंट्स है. देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्यों रेट कम की गई थी. देखिए, रेट के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करनी चाहिए. रेपो रेट मैं आपको बता देता हूँ, आई होप आपको पता होगा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये दोनों में डिफरेंस है. देखिए, रेपो रेट वह की जिसमें आरबी अदर बैंक को जो जैसे बैंक से पीएनबी हो गया स्टेट एलसी इसमें लोन देता है, एंड रिवर्स रेपो रेट जिसमें आरबी लोन लेता है अदर कंट्री से, अदर बैंकों से. ओके, अदर कंट्री से बैंक है उसमें लोन लेता है, तो उससे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में दोनों में डिफरेंस है. ओके, लेकिन रेपो रेट आपको मालूम है, रेपो रेट के बारे में डिस्कशंस देखिए. रेपो रेट आपको मालूम है अभी 5 पॉइंट अभी जो करंट में सिचुएशन है 30.35 बेसिस पॉइंट की कम की गई थी. तो यहाँ पर अब रेपो रेट आपके 5.4
40%, एक तरह से कह सकते हैं 5.4 भी कह सकते हैं, 5.40% भी कह सकते हैं, ओके 5.40 एक तरह से कह सकते हैं, ओके एंड देन उसको रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट हमेशा ध्यान रखिए इससे कम होती है, क्योंकि आरबीआई लेता है तो उससे भी आपको आगे देता है, ओके तो रिवर्स रेपो रेट आपको मालूम है 4.5.15, ओके 5.15 रिवर्स रेपो रेट, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है। एंड देन आपके बैंक रेट आपको मालूम है, बैंक रेट आपको मालूम है 5.75 थी, लेकिन अब करंट रेट 5.65 कर दी गई है, तो ये 3 पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग से क्वेश्चन है कि स्टॉक सर ये क्यों रेट कम क्यों है, आई होप 100% आपके दिमाग में ये क्वेश्चन रेज कर रहा होगा कि सर ये चीज क्यों कम की गई। देखिए रेपो रेट इसलिए कम की जाती है ताकि अपन जो बैंकिंग सेक्टर से उसमें लोन अवेलेबल इजीली अवेलेबल हो पाए, इजीली अवेलेबल हो और कम रेट में अवेलेबल हो, इससे कम रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑटो सेक्टर्स, सेकंड्स आपके जो इन्वेस्टमेंट है जो अलग अलग होम लोन्स भी कह सकते हैं जो लोन्स के बेसिस पर उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड इंटेंशन आपके एनबीएफसी जो डेटा है एक तरह से कह सकते हैं, एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो आती है उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक तरह से लॉसेस गवर्नमेंट भी चल रही है एंड बैंक भी चल रही है, तो उससे रिलेटेड उसको भरने के लिए भी वैसे रेट कट दी गई है। ये 3 मेजर पॉइंट्स है, फर्स्ट आपके ऑटो सेक्टर होम लोन्स उसके सेक्टर, थर्ड आप सेकंड आपके एनबीएफसी बैंकिंग को जो कंपनी से रिलेटेड, थर्ड आपके जो इंटरेस्ट इकोनॉमी बेसिस पर कह सकते हैं, थर्ड आपके इकोनॉमी बेसिस पर होता है जो उसमें $5 trillion इकोनॉमी बनाना है उससे रिलेटेड रेट कम भी जा सकते हैं। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आप कभी भी डिस्कस करें किसी के साथ तो ये 3 मेजर पॉइंट आप रख सकते हैं कि किस बेसिस पर रेट कट होगी। आरबी देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आरबी एंड रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट दोनों के बीच में डिफरेंसेस, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको मालूम होता है जब के रेट से, वो आपने नोट कर ली होगी। सेकंड 3 मेजर पॉइंट्स आपको मैंने बताए, 100% आप रीड आउट कीजिएगा आर्टिकल्स को अच्छे से समझ में आएगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आरबीआई के बारे में भी अपने रिमेम्बर होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है आरबीआई। देखिए हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, यानी कि मुंबई में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस एंड गवर्नर है आपके विद्याशंकर राव। ओके याद रखिएगा एस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935, अभी 1935 84 ईयर्स इसको हो गए हैं। ओके याद रखिएगा, और इसका नेशनलाइजेशन आपको मालूम है 1949 में एक्ट इसका लागू किया गया था, कर चुके हैं। अगर आपको आई होप अगर
रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए। एडवर्ब की तरह जो होता है सडनली, जो एक का एक को एक तरह से अचानक आप यूज कर सकते हैं, वहां पर इस वर्ड का यूज होता है। ओके, द मीटिंग्स एंड एट अदर प्लेस व्हेन द चेयरमैन वाज कॉल्ड अवे। ओके, कॉलर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत ही एक तरह से आपके लिए जो वर्ड हो सकता है इंग्लिश, जो कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो परिणाम हो, जो रिजल्ट हो, उसको वहां पर इस वर्ड का यूज किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सरप्राइजिंग योर मेंटल इंप्रूवमेंट हैज बीन अ कोरोलरीज टू इकोनॉमिक ग्रोथ। दीज आर थ्री वर्ड्स, एक स्क्रीनशॉट। अभी हम चलते हैं फोर्थ वर्ड्स के, देखिए फोर्थ वर्ड है क्लैरिटीज स्टेबलाइजेशन, यानी कि इंग्लिश जो इंक्रीज करना, जो एक साथ कह सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लरी। ओके, नाउन की तरह होता है, देखिएगा देयर वाज अ सडन फ्लरी ऑफ इंटरेस्ट इन द बुक। ओके, बैनिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, बैनिंग इट मींस एग्जीक्यूटिव होता है, यानी प्रेजेंट समथिंग काइंड ऑफ समथिंग जो शो में हो, अच्छा पर्सन हो, दिस इज द पॉजिटिव वर्ड आप यूज कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैनिंग, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। ओके, इंडिया फ्रेंच बैनिंग आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370। ओके, एग्जाम्पल्स भी मैंने इसी तरह से करंट सिचुएशन में बेसिकली क्रिएट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आई होप आज मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर थोड़ा स्लो धीरे धीरे बताइए, आज आपको 100% क्लियर हो रहा था। ओके, मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर हाँ ये एक तरह से सही स्पीड है, एक तरह से कह सकते हैं। ओके, टर्बुलेंस इट मींस जो जो फ्रैकस हो, अशांति हो, बीमार लगना, उग्र हो, वहाँ पर इस का यूज कर सकते हैं टर्बुलेंस। ओके, टर्बुलेंस इट मींस नॉन क्लियर होता है, याद रखिएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, जम्मू एंड कश्मीर टर्बुलेंस इज क्लियर। ओके, these are six word, take a screenshot, कभी भी आपको time मिले तो तुरंत अपडेट आउट कर सकते हैं। ओके, seventh word impulse, it means encourage something करना, यानी उत्साहित करना। ओके, noun की तरह से याद रखिएगा, इसरो has an impulse to do to doing some more projects। ओके, suffix it means should be enough, जिसको बोलते हैं be enough, वहाँ पर इस word का जो एक तरह से पर्याप्त मात्रा में उसको बोलते हैं suffix। ओके, a new brief observations will suffix for present purpose। okay, example dekhiye, mere examples aapko 100% acche lagenge, acche level mein examples mein create karta hu taki aapko students ko acche level mein samajh mein aa sake। okay, optimistic yani ki jis cheez ki aadhaarvadi ko ekdam protect ho usko bolte hain optimistic। example ke liye kya dekhiye, hopeful and sanguine is the synonyms of optimistic। okay, kya dekhiye, agar aap hindi mein likhna chahte hain, kisi words mein maine hindi mein nahi likha hai, ऑप्टिमिस्टिक है ये आशावादी। ओके, डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज ही स्टिल रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। ओके, दीज आर नाइन वर्ड्स, एक स्क्रीनशॉट, कभी भी आपको टाइम मिले तुरंत आप रीड आउट कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस टाइप के वीडियोस 100% आपको अवेलेबल रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। ओके, देखिए टुडेस वर्ड ऑफ द डे, आज ज्यादा कुछ वर्ड ऑफ द डे में क्वालिटी लॉस, ये आरबी वाले पॉलिसी जो आर्टिकल साउंड में चली है, क्वालिटी लॉस मींस डिस्क्राइब्स द सिचुएशन, किसी चीज को सिचुएशन जो परिस्थिति है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, वहां पर अपने रिस्पेक्ट का यूज करते हैं क्वालिटी लॉस। ओके, याद रखिएगा नॉर्म की तरह जो है पार्लियामेंट टैक्स है क्वालिटी लॉस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इश्यूज। इज वर्ड ऑफ द डे, मूविंग ऑन चलते हैं आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कुछ देखिए। फर्स्ट ऑफ फ्रेजेस फ्रेजेबल स्नैप ऑफ मींस ब्रेक अप्रिशिएट, किसी चीज को अलग अलग विभाजन कर देना, अलग अलग टुकड़ों में बांट देना, उसको भी स्नैप ऑफ। ओके, सेकंड देखिए इन अनंत शब्द, इट मींस ब्रीफली समथिंग, किसी चीज को एकदम उसका ना शब्दों में कोई बात पर अच्छी बात कर देना, उसको भी इन अनंत शब्द है ब्रीफली, एक तरह से किसी चीज को समझा देना। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके एंट्रेंस एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। फ्रेज इन टू इंट्रोड्यूस स्लोली, यानी वो चीज को धीरे धीरे बात करना, इसको अभी फेस इन। ओके, दीज आर थ्री मीडियम सेंस फ्रेजेस, अगर आपको अच्छी लगे मीडियम सेंस फ्रेजेस, अगर आपको वोकैबुलरी अच्छी लगे, सेंटेंस अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। ओके, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए दीज आर 10 वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये इस टाइप से डिसेंट, आर्बिट्ररी, कॉरडी, फ्लरी, डायनेमिक, टर्बुलेंस, इंपल्स, सफिक्स, ऑप्टिमिस्टिक, कॉर्डिनल्स, इस टाइप से रीड आउट करेंगे तो 100% आपके एग्जाम में कभी नहीं भूल पाते। देखिए मैं आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन को अच्छे से देखें, अच्छे से वर्ड्स के कमेंट से सेंटेंस क्रिएट करें। ओके, धन्यवाद।
Thank you for watching. I hope you are enjoying the sessions. If I enjoy the sessions, please don't forget to like button. Like button press करना होगा, share करना होगा, subscribe करना चैनल को करना होगा. जय हिंद, जय भारत, love you all.